वचन। आज मूड ऐसा लग रहा है कि मैं बजाते ही जाऊं, लेकिन खड़ी भी नहीं, वो भी जरा जल्दी दौड़ने लगा है ऐसा लग रहा है मुझे। अभी तीन चार चीज खत्म नहीं हुआ, अभी देख रहा हूं। शॉर्ट किया मैंने इसका, तिहाई दूसरा है देखिए। क्या वाणी है इसमें, ये मेरे पिताजी का कॉम्पोजिशन है। कृधा कृधा गद्दी घणनक धा घणनक दी घणनक थेटे क्राम धा कत तेटे धा हिन तेटे धा और घेगे नाना काता काता करनक तेरे कट तकट तान धा करनक तेरे कट तक धर धर कट थेटे ता कृधा तू ना काता। हाय हाय चीज है, देखिए कैसा बेदम है और कितना लंबाई है इसका, अमिताभ से भी ज्यादा। क्राण धातु ना कतेटे धा कतेटे धा का देखिए लय का गया है। कभी कभी गलती हो जाता है बड़ों का देख के। धड़ धड़ के धड़ धड़ के न धक दिन ना तेरे धातु नकत धातु नकत धातु नकत कर धातु नकत कन कर कर देख देख धड़ धड़ के धड़ धड़ के न धक दिन जैसे घटा छा गया हो। धड़ धड़ के धड़ धड़ के न धक दिन ना तेरे धातु नकत धातु नकत बिजली कड़का कर धातु नकत कर धातु नकत कन कर कर देख धड़ धड़ के धा झटका सा हवा आया और फिर जैसे ही ये हवा हुआ तो मोर को बड़ा अच्छा लगा तो नाड़ नतीना मोर नचने लगे। नाड़ नतीना और कृष्ण धान धा कृष्ण धान धा कृष्ण धान 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 धा झमझमाट भी
फरमासी है, देखिए भैरव सहाय जी के है। कृष्ण घिघन ताड़ धाड़ धा घिघ धा घिघ धा घिघ धा घिघ दिन 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 नाड़ नाड़ ना धड़ धतीन धड़ धतीन धड़ धतीन धा। क्या त्याई का जगह है, फरमासी है। निकास ठीक से होना चाहिए, उतना ही वजन घेघे में होना चाहिए जितना कि नाड़ में है। खिलाल जी क्या चीज था, तक धक 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 घान, ये तो आपने सुना है। इसका जोड़ा जो गुरुजी बजाते थे उसको देखिए इस दर्जे में। धक 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 धक
बोल का लंबाई भी देखिए और बानी देखिए धिंधा तेते था धा ते था धादा दिन कर देख 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 दिन ना देख 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 ना धादा दिन कर देख 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 ना देख क्रांत धादा देख 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 फेमस हो चुका है, मेरे गुरुजी का कंपोजिशन है, सभी बजाते हैं इसका जोड़ा सुनिए, जो कमाली बन के आता है वो फरमासी है, ये कमाली है, और निकास देखिए कैसे निकलता है। Thank you.
ये सुनिए मठाई वाला तबला है, गुरुजी बहुत खिलाए, बज भी नहीं रहा था तो फिर भी खिलाए, तब जाके बजता है। सितारखानी नहीं है, सितारखानी एक ताल है, तो छंद नहीं है, छंद का नाम है, बहुत लोगों को पता नहीं है, मैं आज बता देता हूँ। गुरु जी का कहना था तो सितारखानी का जो छंद होता है, जो हम लोग धात्रकड़े तिट्टे घिना धाती घिना ऐसे बजाते हैं, इसको तोटक छंद बोलते हैं। जो छंद को तोड़ा गया तो टूट के जो है तोटक छंद, तो टोटक छंद में एक दो चीज, thank you।
ये राम साहेब जी की चीज है। देखिए क्या भैरव साहेब जी की चीज है। कहते बापा से साहब आप जोर से नहीं बजाएंगे, मीठा से थोड़ा सा वॉल्यूम दीजिएगा, प्रॉमिस। और अब्बा का याद में मत पूछिए, उनके कृपा से, भगवान की कृपा से, गुणों का कृपा से ये जो मैं बिस्तर बजा रहा हूं, इसमें बावा को कायम करते हुए उसका करने के लिए एक ही हाथ में तिरकिट बजेगा, लेकिन कौन कौन अंगली से बजता है मुझे मत पूछिएगा, मुझे मालूम नहीं है, लेकिन बजता है वो बजाते हैं, मुश्किल है थोड़ा निकास, मुश्किल है।
कोई भी हो।